रहते हैं, बोल देते हैं ये क्या मैंने ड्यूटी करना करवाना ये हम ये बोल रहे हैं कि जीएनएम के रहते हुए एएनएम को क्यों लाए, किस लेटर के आधार की कमी थी, तो प्रभारी को दिमाग नहीं था कि हमारी जीएनएम 10 को जा रही है क्यों भेजे। खैर इस वक्त रक्सौल अनुमंडलीय अस्पताल में है और आपको बता दें मेरे पीछे 7 जीएनएम हैं और इन लोग का क्या मामला है, इन्हीं लोग से जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। हालांकि ये लोग जो प्रभारी साहब हैं उनसे थोड़ा सा नाराज हैं, नाराज होने का क्या कारण है? मैडम आप लोग का मामला क्या है, क्यों प्रभारी साहब से नाराज हैं आप लोग? हम लोग हैं कि यहाँ से दूर दूर 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर ठंडे के मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दूर में पदस्थापित कर दिए हैं, कैसे जाएंगे? कितने लोग के बच्चे हैं? सबके बच्चे हैं, सभी लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी इनके गोदी में तो एक बच्चा है छोटा सा और बच्चे के बिना कहीं नहीं रहा जा सकता, लेकिन ठीक है। लेकिन आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि यहीं से हम लोगों को पुनः पदस्थापित किया जाए, यहीं से पुनः स्थापित किया जाए। अच्छा ये बताइए आप क्या चाहती हैं? हम लोग का सेंटर काफ़ी दूर दूर है, हो सके तो यहीं पे हम लोग का एसडीएच में ड्यूटी दे दिया जाए। अगर माना अगर नहीं करते हैं एसडीएच में तो नज़दीकी सेंटर दे दिया जाए जहाँ जाने आने में ज़्यादा समस्या ना हो। अच्छा बताइए कहाँ आपका सेंटर पड़ा हुआ? हमारा पुरंदरा है। पुरंदरा यहाँ से तो ज़्यादा दूर नहीं है, 8-9 किलोमीटर है। सिर्फ हमारा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, सबका है, किसी का गाद बहुआरी है। ठीक है, जिनका गाद बहुआरी है चाहे ज्यादा दूर है चाहे जिनके गोदी में बच्चा है, प्रभारी साहब से कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा उन लोगों को रिबेट दिया जाए, लेकिन जो लोग नजदीक है उनको तो विरोध नहीं करना चाहिए। लड़कों में से एक भी लड़के को क्यों नहीं दिया गया? 10 लड़की का नाम चुन चुन कर क्यों दिया गया? मैडम काफी आप परेशान है इस चीज को लेकर। हाँ ये परेशान तो रहेंगे, परेशान रहिए। हाँ रहेंगे। अच्छा बताइए जब सभी लोग शहर में ही रहेंगे अनुमंडलीय अस्पताल में रहेंगे तो देहात के जो पंचायती पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर कौन रहेगा? एएनएम की सीएचओ की अलग से बहाली हुई है, उनको डिमांड किया जाए। सीएचओ तो यहाँ पर है या नहीं है? प्रभारी को डिमांड किया जाए, यही गलती है। जब तक नहीं है तब तक जो आप लोग कर सकते हैं ना, आने जाने की सुविधा दिया जाए क्योंकि उधर सिरिसिया निजामत में आने जाने का कोई। मैडम आप लोग वहीं पर रेंट पर लेकर आ जाओ, कैसे रहेंगे? बच्चे लोग हैं छोटे छोटे, परिवार के लिए उधर रह जाइए ना, वहाँ से नजदीकी जो बच्चे को पढ़ाने का दिक्कत नहीं है। गांव में पढ़ाने लिखाने की ज्यादा सुविधा नहीं है और ये आदेश जो है नहीं, बस चलता है मैडम, बस से आप लोग भेजिए बच्चों को अगर बच्चे हैं तो। लेकिन आप लोग नौकरी कर रहे तो नौकरी तो कहीं आपको करना ही है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो बहाली है तो ये जो आदेश है ये फिक्स नहीं है कि एक महीने के लिए है कि एक साल के लिए है, कभी भी बदल सकता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकते। आपको कौन तबादला किया है इधर से उधर? यहाँ से पारिवारिक किया है, नाम दिया है जाके अस्पताल से। कुछ लोगों से हमने बात किया, उनका कहना था कि हम लोग नहीं किए, ये तो ऊपर से आया है, झूठ बोल रहे हैं। अगर मांगा गया होगा तभी ना यहाँ से ले गया। आपका कहाँ ड्यूटी है? मेरा सिरिसिया निजामत है। सिरिसिया है? हाँ। तो आपको क्या तकलीफ है? मैं हमको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम, दो ठो छोटा छोटा बच्चा घर पे ही है, यहीं पे। दोनों आदमी को आने जाने में ही प्रॉब्लम है? हाँ। दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है? दूसरा प्रॉब्लम नहीं ना आने जाने का, अगर दूरी खत्म कर दिया। आदेश जो है ना स्टेट से है, स्टेट गवर्नमेंट का आदेश है, सारे सिविल सर्जन को नोटिस किया गया और सिविल सर्जन सर अपने अपने हिसाब से सारे अस्पताल को नोटिस किए हैं कि आप अपने यहाँ से स्टाफ भेजिए जो फ्री है या फिर जिसका इधर उधर ड्यूटी है उनको सीएचओ बना के भेज सके। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जो स्टाफ हैं चुन चुन के नाम अब यहाँ से गया है या फिर सिविल सर्जन जी दिए हैं ये नहीं पता हम लोग को। उन लोग कहना कि ऊपर से ही हुआ, यहाँ ऑलरेडी स्टाफ की कमी है तो फिर क्यों आप 10 स्टाफ को भेज रहे हैं? मेरा ये भी कहना है पूरे जीएनएम को 21 को हम लोग 21 लोग हैं तो 21 लोग का नाम आना चाहिए ना, क्योंकि ये सिर्फ लड़की सबका 10 ही लोग का क्यों नाम आया? लड़का लोग का कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं है। क्या आप लोग के लगता है कि आप लोग के साथ पक्षपात किया जाता है, भेदभाव किया गया? ये भेदभाव करते हैं यहाँ के जो अधिकारी हैं सब। अधिकारी का नाम बताइए। राजीव रंजन है और यहाँ जो उन दिमाग लगाते हैं यूनिसेफ के अनिल और ये मैनेजर आशीष कुमार। देखिए सभी लोग जीएनएम है मैडम, आप लोग जीएनएम है, सभी लोग जीएनएम है, परेशान इस बात को लेकर हैं क्योंकि इन्हें प्राइम हेल्थ सेंटर में यानी गांव में जो होता है पंचायती लेवल में उप स्वास्थ्य केंद्र वहां पर इन लोग का ड्यूटी लगा दिया गया। और बात यह है कि असल में इन लोग के बच्चे हैं छोटे छोटे और ये लोग दूर जाना नहीं चाहती है क्योंकि ये लोग चाहती हैं कि हम इसी अस्पताल में ड्यूटी करें। और एक चीज़ और मैडम, आप जब मेरा कैमरा ऑफ था आप कह रहे थे कि यहीं से मुझे जो भी करना है कर दिया जाए। अगर नहीं यहाँ के पक्षपाती लोग सब है ना भेदभाव करते हैं, यहाँ एएनएम को देखना चाहते हैं जीएनएम को नहीं देखना चाहते हैं। अगर जीएनएम को देखना ही नहीं चाहते हैं तो रक्सौल से ही पूरा हटा दीजिए, दूसरे जोन में भेज दीजिए। तो मैडम ऐसा थोड़ी है, मान लीजिए कि आप लोग का जब नौकरी कर रही है तो नौकरी तो करना है हर हाल में। बताइए पुलिस वाले हैं वहाँ पे, सुबह से हम देख रहे हैं गाड़ी खड़ा है और सुबह से वो लोग खड़ा है और आप लोग अपने ड्यूटी से कतरा रहे हैं।
नाइट करके हम लोग शनिवार नाइट है, संडे नाइट नाइट करे हैं, अथि सोमवार के इवनिंग में भी ड्यूटी करे हैं उन लोग से। हम मेरा कहना छोटे जिनके बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मिलना चाहिए, लेकिन जिनके बच्चे नहीं है उनको नहीं करेंगे। मेरा ये भी कहना है कि रक्सौल में नहीं करेंगे, करना ही है तो दूसरे जोन में भेज दीजिए, मुजफ्फरपुर जोन भेज दीजिए, पश्चिमी चंपारण में भेज दीजिए, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। हर चीज में तो मनमर्जी नहीं ना चलती है, अब सीरियल से चलना पड़ेगा। यहाँ से अति लेबर रूम में जीएनएम के ही दिया जाए, एएनएम के हटाया जाए। अच्छा, एएनएम को हटाया जाए और जीएनएम को दिया जाए। कहीं आप पता लगा लीजिए, एएनएम के ड्यूटी है ही नहीं अनुमंडल हॉस्पिटल। कौन बिना पे दिए हैं प्रभारी, किस लेटर के आधार पर दिए हैं उसको? अच्छा, अधिकारी जी से तो हम बात करेंगे जो प्रभारी महोदय हैं, लेकिन आप लोग का समस्या यही है कि दूर है और वहाँ पर हम लोग काम भी नहीं करेंगे, करना है तो यहाँ पर करेंगे, नहीं तो यहाँ से भी हमें किसी दूसरे जोन में ट्रांसफर कर दिया जाए। हाँ हाँ, यही कहना है। अच्छा, आपका मैडम कहाँ ड्यूटी पड़ा हुआ? मेरा पड़ा है एक डेरवा। आपके सबसे छोटा वाला बच्चा कितने साल का है? 5 साल का है। 5 साल का, तो बच्चा को लेकर वहीं पर कैसे करेंगे? मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं। डरवा इधर तो है बगल में, मेरे बच्चे सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं। एक डरवा तो नजदीक में है, यहाँ पे नहीं जा पाएंगे हम, हमने मेरा घर परिवार सब है तो कैसे जाएंगे? बताइए मैडम, हम अन्याय नहीं सहते हैं, हम बोल देते हैं। ये क्या अन्याय? ड्यूटी करना करवाना, ये हम ये बोल रहे हैं कि जीएनएम के रहते हुए एएनएम को क्यों लाए, किस लेटर के आधार पर लाए, इसीलिए हम लोग एएनएम प्रॉब्लम है आपका, एएनएम को क्यों लाए? चलिए, स्टाफ की कमी थी तो प्रभारी को दिमाग नहीं था कि हमारी जीएनएम 10 को जा रही है, क्यों भेजे?